हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नया टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, नेपी यान के बारे में। और नेपी यान के बारे में आपको बता देता हूँ, ये हम जो बताने जा रहे हैं ये पॉलिएस्टर और कॉटन का मतलब मिक्स है, पीसी वाला माल है। तो इसमें कॉटन हम 93% लिए, कोम्ड कॉटन मतलब स्लाइवल लिए, और पॉलिएस्टर नेप से 7% लिए। तो इसमें क्या होता है देखो, जो कॉटन कोम्ड कॉटन लिए 93% लिए, 93% लिए, और ये स्लाइवर फॉर्म में लिए, ये स्लाइवर फॉर्म में लिए। और ये ध्यान रखना, ये जो स्लाइवर फॉर्म में कोम्ड कॉटन लिए, ये थोड़ा माइक ज्यादा वाला लिए, मतलब मोटा फाइबर लिए, मोटा कॉटन इसीलिए लिए। इसमें क्या, ये जो कोम्ड पर्सन जो 93%, इसमें नेप से कम आए। एक्चुअली अपन नेप से जो रखना है पॉलिएस्टर साइड का रखना है, तो पीएसएफ नेप जो होता है 7% लेना है। टोटल अपन 3 टन मिक्सिंग का बारे में बता रहे, तो 7% जो नेप लेंगे पॉलिएस्टर, इसको क्या करेंगे, पीएसएफ फाइबर लिए जैसे, इसको अपन कोशिश करें 1 डेनियर 1.2 डेनियर ले, ताकि पतला पीएसएफ रहेगा, नेप से आसानी से बन जाएगा। और इसको क्या करेंगे, कार्डिंग में गेज ओपन करके एक बार चला लेंगे, और वो मटेरियल ट्रांसफर जो होता है सिलेंडर से, डफर डफर से, क्रॉस रोड, ये सब गेज वाइड कर देंगे, और वो फ्लैट गेज भी उठा देंगे, तो फाइबर उसमें रोलिंग होके नेप बन जाएगा जैसे। और उसके बाद नेप को अपन टिंट डाल देंगे, मतलब कलर में इसको स्प्रे कर देंगे, टिंट को टिंट कर देंगे। टिंट करने से फायदा क्या है, जैसे कॉटन अपना व्हाइट कलर का रहा और ये टिंटेड नेप्स रहेगा, आसानी से विजिबल होगा। इसी चक्कर में हम टिंट करते हैं। जैसे आप 93% कॉटन लिया, 7% पॉलिएस्टर नेप्स लिया, एक्चुअल ब्लेंड हम लिखेंगे 95/5 कॉटन 95, पॉलिएस्टर नेप्स 5%, 2% नेप्स अपना प्रोसेस में अपना अबोलिश हो जाएगा, मतलब हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और वही फॉर्मूला देखो, इसमें तेल पानी अपन क्या लेंगे, LB40.03 लिए, और वाटर 1.5% लिए, कम से कम लिए, क्योंकि इसमें ज्यादा पॉलिएस्टर का जो भी है नेप्स फॉर्म में, तो लपिंग का टेंडेंसी वगैरह नहीं रहेगा, और कॉटन भी कोम्ड कॉटन है, उसमें मतलब लपिंग का टेंडेंसी नहीं रहेगा, इसीलिए 0.03 और 1.5% जस्ट एक हल्का सा तेल पानी लिए, ताकि अगर लपिंग का टेंडेंसी रहता भी है तो इसमें नजर नहीं आएगा। और देखो मिक्सिंग का क्या सिस्टम बता दिया, लेयरिंग बाय हैंड। जैसे कोम्बर स्लाइवर अपन 93% लिए ना, इसको इतना इतना हथेली साइज में तोड़ने का, इतना इतना साइज तोड़ के इसको मिक्सिंग बाय हैंड लेयरिंग करना। और कोम्बर स्लाइवर जैसे अपने 93 kg लिया और 7 kg नेप्स लिया, वही फॉलो 100 kg लेयरिंग सिस्टम, जैसे मैंने मिलांज की मिक्सिंग में बताया था ना, 100 kg का मिक्सिंग का लेयर लेना है, ऐसे 100 kg का लेयरिंग सिस्टम लेना है। और इसमें कोई भी वेस्ट ऐड नहीं करना, नो वेस्ट, ये ध्यान रखना स्पेशली, क्योंकि वेस्ट ऐड करेगा मिक्सिंग पूरा खराब हो जाएगा। कोई भी वेस्ट नहीं डालनी, और 100 kg का लेयरिंग लगानी बाय हैंड, और हर लेयर के बाद जो स्प्रे है स्प्रे भी करनी है आफ्टर 30 लेयर। जैसे लेयरिंग हाथ से हो गया, बढ़िया से यूनिफॉर्मली फैला दिया, फैलाने के बाद क्या करना, 2 ब्लेंडर टपलिंग विथ ब्लेंडर गेज ओपन, 2 बार ब्लेंडर में इसको चला के फाइनल टपलिंग करना, एक लेयरिंग एक टपलिंग करना, फिर दोबारा एक बार टपलिंग करना विथ ब्लेंडर गेज ओपन। ये ध्यान रखना, इसको हर जगह अपन गेज वगैरह ओपन रखेंगे, ताकि जो नेप्स का टेंडेंसी है नेप्स खुलना जाए, नेप से बरकरार रहे, इसीलिए अपन ब्लेंडर गेज +20 भी यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। ब्लेंडर गेज बिल्कुल ओपन रखना, बिल्कुल ये नहीं करना। और उसके बाद अपन ब्लोर में कैसे चलाएंगे, कार्डिंग में कैसे चलाएंगे, क्या प्रिकॉशन लेंगे, ताकि नेप से कम 5% रहे मिक्सिंग में मटेरियल में, 2% तो मैं भी मानता हूँ वो ओपन हो जाएगा, गिर जाएगा, लेकिन 5% रहना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अपन जैसे मिक्सिंग तैयार हो गया,
8 से 12 घंटा इसको कंडीशनिंग में छोड़ लेगा, मतलब जो अपना पानी स्प्रे के तेल स्प्रे के वो बढ़िया से सोप हो जाए दो, 8 घंटे के बाद मिक्सिंग फिर आप लाइन में चालू कर सकते हो। और लाइन में चालू करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखिए, ये जैसे कि पीसी का मिक्सिंग है, यून मिक्स इसको जरूर लाइन पे लेगा। यून मिक्स लाइन पे लेने से क्या होगा, ये बिल्कुल होमोजेनियस मिक्सअप होगा, नहीं तो पीसी का माल में मिक्सअप होने से दिक्कत जाएगा। और देखो एमपीओ बिटर का स्पीड जो होता है 500 आरपीएम होता है, 500 तक रखना, उसे ऊपर नहीं रखना। इस पे देखो हर चीज में अपन स्पीड कम से कम रखे, बोलो बिल्कुल माइल्ड एक्शन रहेगा जिसमें नेब्स खुलेगा नहीं। इनमिक्स का बिटर देखो 450 आरपीएम रखे, बिल्कुल कम से कम मिनिमम वाला रखे। और फ्लेक्सिकिन का बिटर का 500 आरपीएम रखे। और ऑल ग्रिड बार सेटिंग क्लोज्ड, मतलब जो अपना हर बिटर का नीचे, जैसे एमबीओ बिटर, इनमिक्स बिटर, फ्लेक्सिकिन बिटर, उसका नीचे क्या करते हैं अपन, जाली रहता है ना ड्रॉपिंग्स गिरने के लिए, वो ग्रिड बार का सेटिंग हमेशा आप देखना कटन की प्रोसेस में 3-4 तक रखते हैं ब्लोअर में ये। लेकिन स्लाइवर का मिक्सिंग है और परिसर का नेप से इसमें कोई कचरा तो रहता नहीं, वो इसका ग्रिड बार का सेटिंग अपन बिल्कुल जीरो पे कर देंगे, मतलब उसका जो नीचे का जो वेस्ट गिरने का जो गैप है बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, मतलब नेप से जो होता है मटेरियल के साथ आगे आगे जाएगा। ऑल ग्रिड बार सेटिंग क्लोज, ये ध्यान रखने का। अच्छा फिल्टर ऑफ ब्लोअर कार्डिंग बाईपास, ये ध्यान रखना ब्लोअर कार्डिंग का फिल्टर बाईपास रखना, इसको फिल्टर चलाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा वेस्ट भी नहीं रहता, दिक्कत नहीं जाता। और अगर फिल्टर चालू रखोगे नेब से क्या करेगा, वो खींच के सब अंदर चला जाएगा, तो कोई फिल्टर चालू रखने का कुछ फायदा ही नहीं रहता। उसके बाद क्लोज लिक्विड अंडर कैसिंग पैकिंग बाई आधे सिप टेप, जो लिक्विड का जो जाली होता है ना, वो मोट नट का सेटिंग बिल्कुल क्लोज कर देना, जिसमें सीड वगैरह गिरता था वो क्लोज कर देना। और लिक्विड का जाली का नीचे अपना आधे सिप टेप, जो टेप रहता है ना, नीचे पूरा पैक कर देने का, अगर जाली का अंदर कुछ गिरेगा वो नीचे नहीं जाएगा, उसका आगे आगे पास हो जाएगा। और ये होता है ब्लोअरिंग का, लगभग हो गया कार्डिंग का बताते हो। कार्डिंग का सेटिंग नेप्स वाला मटेरियल बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर सेटिंग बराबर नहीं रखोगे तो नेप से आपकी खुल जाएगा। नेक्स्ट देखिए अपना कार्डिंग का सेटिंग बताते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कार्डिंग का सेटिंग अगर गड़बड़ा जाएगा तो आपकी नेपी यार बन नहीं पाएगा। अभी देखो अपन समझ लो 30 टन का मिक्सिंग लगाया, वो 24 सीपी बनाएंगे, 24 काउंट कटन परिस्टर बनाएंगे। और देखो फिर प्लेट का लिक्विड 28 थाव रखेंगे, 28 थाव में ठीक रहता है, क्योंकि ज्यादा वाइड रखेंगे तो नेप्स वगैरह खुल जाएगा, और टाइट रखेंगे भी फाइबर टूटेगा, तो 28 थाव ठीक है। क्राफ्ट टू सिलेंडर देखो 28 28 28 32 32, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फ्लैट टू सिलेंडर जो गेज है ये बिल्कुल ओपन है, ये समझ लो फ्लैट कुछ काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि फ्लैट गेज अपन कटन के केस में या कटन परिस्टर के केस में 10-12 मैक्सिमम गेज रखते हैं, इसमें 28 28 28 32 32, मतलब बिल्कुल फ्लैट गेज ऊपर उठा देंगे, उठा देंगे तो नेप्स में टच नहीं होगा, खुलेगा नहीं, नेप से बरकरार रहेगा। वो बैक सी किलर देखो 20 और 16 था हुए, और फ्रंट सी किलर 14 था हुए, और डॉफर टू सिलेंडर 6 था हुए। और इसका बात देखो सिलेंडर का स्पीड बिल्कुल कम से कम रखे, ये जो हाई स्पीड कार्डिंग में अपन सिलेंडर स्पीड 600 550 तक चलता है, इसमें बिल्कुल कम से कम 360 रखे, 360 इसीलिए रखे नेप्स का ओपनिंग नहीं होगा। और उसके बाद लिक्विड का स्पीड देखो अपन 1050 1100 तक चलाते हैं, यहाँ पे भी कम रखे 900 आरपीएम रखे। और फ्लैट स्पीड देखो 240 एमएम पर सेकंड लगे, जो मिनिमम कर सकते हैं, जितना मिनिमम कर सकते हैं उतना ही रखने का। और डिलीवर स्पीड देखो 90 एमपीएम, अगर नेप से अगर खुल जाता है वो भी कम कर सकते हो, लेकिन 90 एमपीएम ठीक है। और रैपिंग पॉइंट 110। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखो कार्डिंग से, जैसे आपने 6 कार्ड में समझ लो चला, तो पहले सबसे पहले एक तो कार्ड में इसका ओएब निकालने का, ओएब निकाल के इसको विजुअली देखने का कितना नेप से है, और इसको लेके इसको में टेस्ट करने का कितना 1 ग्राम में कितना
नेप्स का कितना रॉ मटेरियल आ, तो कम से कम इसमें 5% नेप्स रहना चाहिए, तब जाके उसका स्लाइबर ओके करेंगे। क्योंकि स्लाइबर बनने के बाद समझ लो नेप्स कम है, अपने स्लाइबर बढ़ा दिया और रोविंग बढ़ा दिया, धागा बढ़ा दिया, फिर वो क्वालिटी फेल हो जाएगा। तो कम से कम 5% नेप्स रहे तो मटेरियल आगे जाने देने का, नहीं तो नेप्स अगर कम है बिल्कुल आगे जाने नहीं देने का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अपन ड्रॉप फ्रेम स्ट्रेंथ में आ गए। ब्रेकर का ड्रॉप फ्रेम में क्या करनी, जैसे डीओ सिक्स है बटर फ्रेम के अपन 40-42 रखेंगे, ज्यादा ओपन गेज नहीं रखेंगे, ज्यादा ओपन गेज रखेंगे तो नेप्स खुल जाएगा, टाइट गेज रखे बिल्कुल 40-42। और ब्रेकड्राफ्ट देखो 1.51 ब्रेकड्राफ्ट अपना जनरली ब्रेकर में 1.71 रखते हैं, लेकिन इसमें भी कम से कम रखना 1.51 रखना। ए 61 टीथ बी 65 का डाल देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखो डबलिंग, ये डबलिंग जो मैंने लिख रखा ना, ये 8 का डबलिंग लिखेगा, 8 का डबलिंग इसलिए लिखेगा, इसका कारण है एक तो पीसी का माल है मतलब होमोजेनियस हो जाएगा, ऊपर से सबसे बड़ी चीज है 8 का डबलिंग रखेंगे इसका अपना क्या होगा, धागे का सीएसपी बढ़ेगा। जब देव से आन में सीएसपी बिल्कुल कम आता है, ये रखने से क्या होगा, 8 का डबलिंग सीएसपी बढ़ जाएगा, इसीलिए 8 की डबलिंग से कम नहीं रखना। और रैपिंग सेट करना 0.110 पे और स्पीड 250 एमपीएम रखना। अगर पुरानी ट्रेन कोई है जैसे एलडीओ 2S है उसपे और कम स्पीड रख सकते हैं, लेकिन 250 का स्पीड सही है। और ध्यान रखना ये अपन चला रहे 100% कॉम, इसीलिए ज्यादा स्पीड लेने का जरूरत नहीं है। फिनिशर ड्राइंग में देखो बटन रोल गेज उतना ही रखना, 40-42 रखना, अगर हो सकता है तो अगर मार्जिन है इसको 38-40 भी कर सकते हो आरएसपी में, लेकिन 40-42 में बढ़िया रहता है। उसके बाद ब्रेक ड्राफ्ट 1.16 34.8 mm में कर देने का, ये आरएसपी का बोल रहा हूँ, आरएसपी का दूसरा ड्रिंक तो उसी हिसाब से करने का। तो 1.16 ब्रेक ड्राफ्ट स्पीड हो गया 300 एमपीएम, रैपिंग हो गया 100। और इसका जब फिनिशर का भी मटेरियल बन जाएगा ना, इसको भी विजुअली चेक कर देना, लेस वगैरह कितना है क्या है वो आपको मालूम पड़ जाएगा। नेक्स्ट देखिए अपने सीप्लेस का बात कर रहे हैं, ये जो फ्लायर स्पीड है अपना 700 आरपीएम का रखे, और उससे भी कम अगर बन सकता है 650 तक भी बहुत बढ़िया है। और रैपिंग 24 काउंट के हिसाब से अपन 0.95 रखे, और पीएम देखो 1.25 रखे। आपको कभी कभी डाउट होता होगा ये तो पीसी का मटेरियल अपन टीएम इतना कम क्यों रखे, तो ध्यान रखना पीसी का मटेरियल तो है लेकिन जो पॉलिस्टर है अपना नेप्स की फर्म है, तो इसका स्ट्रेंथ का अपना रोबिंग में कोई मायने नहीं रहता, तो इसीलिए कोम्ब कटन जो 93% उसका कैरेक्टरिस्टिक जो है उसी हिसाब से अपन टीएम रखे। और टीपीआई भी 0.95 पे से 1.218 आएगा, तो इसमें कोई घबराने का नहीं, 1.25 टीएम रखने का। और स्पेशल देखो सिंपलेस पे 0.5 mm वाइडर रखना, जैसे आपके 6.5-7 चल रहा है तो 7.5-8 तक रख सकते हो, 0.5-1 mm वाइड रखना। वाइड इसीलिए रखते हैं जैसे अपन नेप से पास करेंगे ना रोबिंग के साथ, और अगर वाइड नहीं रखेंगे उसी जगह रोबिंग ब्रेकेज कर देगा, तो वाइडर रखना बहुत जरूरी है। ब्रेक ड्राफ्ट देखो मिनिमम कोम्ड के हिसाब से रखेंगे, वैसे आपको बता दिया था पॉलिस्टर गोले फॉर्म में है, नेप्स फॉर्म में कुछ काम नहीं रहता उसमें, अगर पॉलिस्टर स्ट्रेट रहता तो ब्रेक ड्राफ्ट थोड़ा बढ़ा के रखते, इसीलिए 1.09 रखेंगे आज पर कोम्बर फाइबर। बटन रोल गेज देखो 46-65 का रखे सिंपलेस का, ये अपना सिंपलेस जो LF 1400 का हिसाब से अपन सेटिंग बता रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद एवरेज हो गया सिंपलेस का हो गया, उसके बाद रिंग का देखो एवरेज स्पिंडल स्पीड 10-15% लोअर रखना, मतलब नॉर्मल धागे से 10-15% जरूरत पड़ता है 20% तक कम कर देगा एवरेज स्पिंडल स्पीड। समझ लो मैंने एवरेज स्पिंडल स्पीड में कोमट कटन में मैंने 16,500 रखता हूँ, तो इसमें 15,000-15,500 तक बहुत है। और इसमें टीएम मैंने 4 का रखा, ये नीटिंग का धागा अपन कार्डेड में 3.8 रखते हैं, कोण में 3.6 रखते हैं, इसमें जो टीएम है 4 का रखे, 4 का इसलिए रखे इसमें क्या जो वही बात है पॉलिस्टर का जो नेप्स है वो गोले फॉर्म में है,
उसका इसीलिए टीएम ज्यादा नहीं रखेंगे, ब्रेकेज बढ़ जाएगा और जैसे गांठे जैसे पास करेगा वो फिर दिक्कत जाएगा, ब्रेकेज करेगा, इसीलिए टीएम अपन 4 पे रखे, टिप पे उसी हिसाब से 19.4 रखे और रैपिंग काउंट इसका आ जाएगा 23.5 रखने का, 23.5 काउंट रखने का रैपिंग काउंट। और उसके बाद देखा स्पेसर अपन 4 mm रखे, स्पेसर भी थोड़ा वाइड साइड रखे, जबकि 24 काउंट में अपन 3.75 mm में मैनेज हो जाता है, अपन 4 रखे। और बटन रोल गेज देखो 45.5 मिनिमम जो है वो 65 रखे, बटन रोल गेज ये हो गया। और इसमें साफ सफाई रखने का, बढ़िया वर्किंग रखने का, तब इसका क्वालिटी बढ़िया रहेगा। और इसके बारे में मैं बता दूं, ये आपके रिम फ्रेम तक का हो गया, और जब ये मटेरियल ऑटोकॉनर में जाएगा, ऑटोकॉनर में क्या करना है, नेप्स का सेटिंग जो होता है बिल्कुल वाइड कर देगा, नेप्स का सेटिंग जो होता है ये 7 तक कर लेना, 7-6.5, नेप्स बिल्कुल काटना नहीं चाहिए, नेप्स काट डिस्प्ले में 0 दिखा चाहिए, बाकी हर जगह वाइड सेटिंग रख सकते हो, बाकी मतलब थोड़ा सा वाइड सेटिंग रख सकते हो, लेकिन नेप सेटिंग बिल्कुल फुल वाइड रखना है, मतलब ओपन मान के चलो, ताकि नेप से बच के रहे धागे के अंदर। तो उसका जो पैकिंग साइज जैसे आप लोग को डिमांड है ऐसे करने का, और इसका YCP जरूर करने का, क्यों अपन ऑलरेडी टीएम ज्यादा दे रखे, और YCP कर देंगे थोड़ा स्पाइरलिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगा और यार्न का क्वालिटी बढ़िया रहेगा।